मुझे बचाओ। अबे शिनचैन क्या हुआ? अरे फ्रैंकिन भाई, वही वाली मॉन्स्टर शार्क मेरे पीछे पड़ गई। अबे शिनचैन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो अपने लॉस सैंटोस के अंदर है ना। अरे फ्रैंकिन भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो शार्क मेरे पीछे ही आ रही है। अरे शिनचैन कहाँ पर है? अरे फ्रैंकिन भाई देखो देखो, मेरे पीछे ही है। अरे शिनचैन मैं बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो अपने लॉस सैंटोस में है। तुझे पक्का डर की वजह से उसका वहम हो रहा है? अरे गाइस यार, शायद से वो मेरा वहम ही था। अरे फ्रैंकिन भाई ये सब छोड़ो, आयरन मैन एकदम सही बोल रहा है, अपने लॉस सैंटोस के अंदर बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, मुझे अभी अभी यहाँ के साइंटिस्ट ने बताया। अरे यार ये सुनामी कहाँ से आ रही है? गाइस यार, एक तो हमें उस मोशन शॉक की टेंशन है और ऊपर से लॉस सैंटोस में सुनामी आ रही है। अरे फ्रैंकिन भाई डरते क्यों हो? आपको साइंटिस्ट ने ये वाली मशीन दी तो है, हम उस वाली शार्क को नहीं छोड़ेंगे। अबे हाँ शिनचैन तू सही कह रहा है, हम उस वाली शार्क को नहीं छोड़ेंगे। हाँ फ्रैंकिन भाई नहीं छोड़ेंगे। अबे पगले रुलाएगा क्या? तेरी बात सुन के तो शिनचैन मुझे भी जोश आ रहा है। सुनो सारे के सारे एवेंजर्स, आज हम उस शार्क को नहीं छोड़ने वाले। अरे फ्रैंकिन भाई ये हुई ना बात, चलो चलते हैं जल्दी से, बल्ले बल्ले। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। और गाइस यार, तुम लोग देख रहे हो इन साइंटिस्ट की लैब कितनी ज्यादा बड़ी है, इसके अंदर भाई साहब क्या क्या बनता होगा। अरे फ्रैंकिन भाई लैब क्या देख रहे हो, जल्दी चलो ना। अबे हाँ यार, मैं भी क्या बेवकूफ इनकी लैब देखने बैठ गया। तो गाइस एक काम करते हैं, अपन लोग जल्दी से अपनी कार के अंदर बैठ जाते हैं। अबे जल्दी आओ ना सारे के सारे। अरे फ्रैंकिन भाई आ तो रहे हैं। एंड गाइस यार, फाइनली अपन लोग अपनी कार के पास पहुंच चुके हैं। एंड गाइस यार, जो ये वाली कार है ये अपने आयरन मैन की है, जो कि पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है। सो ऑलराइट गाइस यार, फाइनली अपन लोग बैठ चुके हैं अपनी उस वाली कार के अंदर। और ये क्या भाई, अपना हल्क तो कार के बाहर आ रहा है। एक सेकंड गाइस यार, सब बंदे बैठ कैसे रखे हैं? हल्क तो ये रहा, ओए स्पाइडी तू हवा में क्यों है? अरे फ्रैंकिन भाई मैं तो दबी गया। अबे शिनचैन यार, मैं भी क्या बोलूं भाई, मैं खुद हल्क के नीचे आके दब गया। क्या बोला फ्रैंकलिन? अरे कुछ भी तो नहीं, मैं आराम से बैठा हूँ। और गाइस यार, एक तो अच्छा हुआ कि जो अपनी सुनामी थी वो अभी तक अपने लॉस सैंटोस में ही आई है, क्योंकि गाइस यार इस वाले एरिया में दूर दूर तक कहीं पे भी सुनामी नहीं आई है। एंड गाइस यार, आई डोंट नो कि ये वाली कार हमें कहाँ तक लेके जा सकती है, क्योंकि गाइस यार अगर हमें बीच में सुनामी मिल गई तो अपन लोग को ये वाली कार छोड़नी पड़ेगी। तो गाइस यार, इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि अपन लोग इस वाली कार से कहाँ तक जा सकते हैं। अरे फ्रैंकिन भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे शिनचैन यार सही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी किसी भी वक्त सुनामी आती होगी। और गाइस यार, उस वाले मोशन शार्क को मारने के बाद हम सीधा जाएंगे उन वाले साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए, क्योंकि गाइस उन सभी साइंटिस्ट ने ही इस वाले मोशन शार्क को बनाया है, क्योंकि जो वो सारे साइंटिस्ट है उन सभी ने एक बेचारी नॉर्मल शार्क पे अपना एक्सपेरिमेंट करा। एंड गाइस यार, उस वाले शार्क का जो डीएनए था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। एंड गाइस यार, वो वाली शार्क बन गई एक मोशन शार्क जिसके अंदर अपनी बहुत सारी सुपर पावर्स हैं। अरे फ्रैंकिन भैया जैसे कि क्या? अबे शिनचैन, जैसे कि वो अपना रूप बदल सकती है, वो बिना पानी के जमीन पे रह सकती है, उस शार्क के हाथ पैर भी आ सकते हैं, और यहाँ तक कि वो अपने किसी भी सुपर हीरो को मार सकती है, जैसे कि अपने एवेंजर्स। और गाइस यार, इन एवेंजर्स के पास तो अभी अपनी पावर भी नहीं है, क्योंकि गाइस अपने एवेंजर्स की पूरे एक हफ्ते के लिए पावर जा चुकी है। अरे फ्रैंकिन भाई जल्दी से पीछे देखो। अबे शिनचैन पीछे क्या है? और तेरे गाइस यार, ये तो वही वाली शार्क मोशन है, हमें गाइस यार यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। अरे फ्रैंकिन भाई भाग क्यों रहे हो? ओबे तेरी गाइस यार, ये कहाँ पे आ गए अपन लोग? अरे फ्रैंकिन भाई, अपना पूरा लॉस सैंटोस तो पानी में भर गया। अरे गाइस यार, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा बड़ी सुनामी आ चुकी है। एंड गाइस यार, ये देखो धीरे धीरे पानी तो ऊपर बढ़ता जा रहा है। और एक सेकंड गाइस यार, वो वाली शार्क कहाँ पे गई? अरे फ्रैंकिन भाई, मुझे लग रहा है वो शार्क वापस से पानी में चली गई। अरे गाइस यार, ये तो उसने बड़ा तगड़ा वाला गेम खेल लिया, हमें कैसे भी करके पानी के अंदर जाना पड़ेगा। बट गाइस यार, अपन लोग तैर के पानी में नहीं जा सकते, क्योंकि गाइस यार अगर हम ऐसे ही पानी में गए तो वो शार्क तो हमें कच्चा चबा जाएगी। तो गाइस एक काम करते हैं, अब अपने फ्रैंकिन के पास एक प्लान आया है। अरे फ्रैंकिन भाई कौन सा प्लान? तो गाइस यार, वो प्लान ये है कि अपन लोग को कैसे भी करके यहाँ
यहाँ पे एक सबमरीन का जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि अपन लोग सारे के सारे बंदे बैठ के इस वाले पानी के अंदर जा सके। बट गाइस यार यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अपन लोग यहाँ पे सबमरीन लाए कहाँ से। अरे फ्रैंकलिन भाई मेरे पास आइडिया है, आप जल्दी से अपने माइकल भैया को फोन करो, उनके पास जरूर से सबमरीन होगी। अरे वाह शिनचैन तूने तो एकदम सही आइडिया दिया है। तो गाइस एक काम करते हैं, मैं जल्दी से अपने माइकल को फोन कर लेता हूँ क्योंकि गाइस यार वही एक बंदा है जिसके पास अपन लोग को सबमरीन मिल सकती है। सो ऑलराइट गाइस यार फाइनली अपन लोग आ चुके हैं अपने माइकल की बताई लोकेशन पे। एंड गाइस यार यहाँ पे अपन लोग का माइकल वेट कर रहा है। अरे फैल्कन भाई वो देखो, वो रहे माइकल अंकल। अरे गाइस यार वो देखो, वो खड़ा अपना माइकल। एंड गाइस यार तुम लोग देख रहे हो कि अपना माइकल अपने साथ कितने सारे बॉडीगार्ड लेके आया है। अरे फ्रैंकलिन भाई बॉडीगार्ड को छोड़ो, ये सबमरीन कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी है। अरे गाइस यार अपना शिनचैन तो एकदम सही कह रहा है, अपना माइकल कितना ज्यादा अच्छा है। गाइस अपन लोग के लिए अपना माइकल तीन तीन सबमरीन लेके आया है। एंड गाइस यार हम सारे के सारे एवेंजर अलग अलग होके इन तीन सबमरीन के अंदर जाने वाले हैं। एंड गाइस यार ढूंढने वाले उस मोस्टर शार्क को। और गाइस यार तुम लोग सोच रहे हो कि अपना माइकल अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड क्यों रख रहा है, क्योंकि गाइस यार अपने लॉस सैंटोस के अंदर उस वाली शार्क का खौफ फैल चुका है। एंड गाइस यार कोई भी बंदा अपने घर के बाहर नहीं निकल रहा। तो गाइस ये काम करते हैं, अब हम सारे के सारे बंदे इन सभी सबमरीन में बैठ के उस वाली शार्क को ढूंढने चलते हैं। तो एवेंजर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सारे के सारे आधी आधी टीम में बांट के ये दो सबमरीन ले लो और शिनचैन और मैं उस वाली सबमरीन में जाते हैं। अरे आयन मैन आराम से जाना। तो गाइस यार इसी के साथ अपने एवेंजर निकल चुके हैं उस वाली शार्क को ढूंढने के लिए। एंड गाइस एक काम करते हैं, अब शिनचैन और मैं भी इस वाली सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं। और माइकल भाई मेरी बात ध्यान से सुन, तो इस वाली कार को लेके जल्दी से अपने घर पे चले जा। अरे फ्रैंकलिन भाई ये वाली सबमरीन कितनी ज्यादा बड़ी है। अबे हाँ शिनचैन यहाँ पे बातें मत कर, जल्दी से इस वाली सबमरीन के अंदर आ जा मेरे साथ। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं शिनचैन और मैं इस वाली सबमरीन के अंदर बैठ चुके हैं। एंड गाइस अपना माइकल भी यहाँ से निकल चुका है। तो गाइस लेट्स गो, अब हम चलते हैं अपने पानी के अंदर। अरे फ्रैंकलिन भाई हम तो चल पड़े। अबे हाँ शिनचैन यार हम तो चल पड़े। सो ऑलराइट गाइस यार इसी के साथ अपन लोग आ चुके हैं पानी की गहराई में। एंड गाइस यार यहाँ पे वो वाली शार्क कहीं से भी आ सकती है। बट गाइस यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात हो चुकी है। अरे फ्रैंकलिन भाई क्या हो गया, सबमरीन में छेद हो गया क्या? अबे शिनचैन तू पागल हो गया क्या भाई, कैसी बातें कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन भाई तो प्रॉब्लम क्या हुई है? अबे शिनचैन यार अपन लोग का एवेंजर से जो नेटवर्क टूट चुका है। अरे फ्रैंकलिन भाई अब हम लोग एवेंजर से कैसे बातें करेंगे? अबे शिनचैन यार वही तो प्रॉब्लम वाली बात हो चुकी है। बट गाइस यार कोई बात नहीं, अपने एवेंजर्स भी कोशिश कर रहे होंगे उसको ढूंढने के लिए। एंड गाइस अपन लोग भी कोशिश करते हैं। अरे फ्रैंकलिन भाई एक शार्क हमारा पीछा कर रही है। अरे गाइस यार अपना शिनचैन तो एकदम सही कह रहे हैं, ये वाली शार्क अपना पीछा क्यों कर रही है? क्या ये वाली शार्क भी मोस्टर शार्क है? आई डोंट नो गाइस यार ये वाली शार्क अपना पीछा क्यों कर रही है। और गाइस यार एक सेकंड, ये सारे के सारे शार्क मर क्यों रही है? अरे फ्रैंकलिन भाई ये क्या हो रहा है? और वो वाली शार्क देखो अपने पीछे ही आ रही है। गाइस यार ये यहाँ पे चल क्या रहा है? अरे फ्रैंकलिन भाई मुझे सामने में दो दो सबमरीन दिख रही है। अरे गाइस यार ये सबमरीन तो अपने एवेंजर्स की है, शायद से अपन लोग को वो मिल गई है। और एक सेकंड ये सबमरीन हिल क्यों नहीं रही? अबे ये एवेंजर्स कहाँ पे गए? गाइस यार मुझे यहाँ पे कोई ना कोई तो गड़बड़ लग रही है, अपने एवेंजर्स कहाँ पे गायब हो गए इसके अंदर से? गाइस एक सेकंड यहाँ पे पक्का बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई है, वो भी अपने एवेंजर्स के साथ। अरे फैल्कन भाई मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अबे शिनचैन एक काम कर, मैं इस वाली सबमरीन के बाहर निकल के देखता हूँ, तू सबमरीन से बाहर मत आइयो। अरे फैल्कन भाई संभल के जाना। अबे शिनचैन तू टेंशन मत ले। एंड गाइस एक काम करता हूँ, एक बार मैं इस सबमरीन के अंदर चेक करता हूँ। अरे गाइस यार ये दोनों सबमरीन तो शायद से खाली है। आयरन मैन हल्क तुम अंदर हो क्या? गाइस यार ये वाली सबमरीन तो खाली पड़ी हुई है, एक काम करता हूँ इस वाली में चेक करता हूँ, शायद से गाइस यार ये वाली भी पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है। ओ भाई अरे फ्रैंकलिन भाई अब क्या होगा? अबे शिनचैन तू कुछ भी करके सबमरीन से बाहर मत निकलियो। अरे फ्रैंकलिन भाई आवाज कैसी आ रही है? अबे शिनचैन तू सही कह रहे हैं, ये तो बड़ी खतरनाक आवाज आ रही है। गाइस यार ये क्या हो रहा है, इतनी सारी शार्क। अरे फ्रैंकलिन भाई जल्दी से अंदर आओ। अबे शिनचैन तू बाहर मत निकलियो। शिट गाइस यार अपने फ्रैंकलिन को शार्क ने पकड़ लिया। ओ शिट गाइस ये क्या हो रहा है, अपना फ्रैंकलिन तो शार्क के मुंह के अंदर है। अरे छोड़ो मेरे फ्रैंकलिन भैया को।